मन के हवाले से अगर उनका ये कमेंट है तो मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करना चाहता हूं कि अमन काफ़ी हद तक ठीक हो गया और उसके लिए मुबारकबाद ये लोगों को ज़रूर है। अगर 80% क्रेडिट लोगों को जाता है, 20% तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है। इन्होंने कहीं बेगुनाह लोगों की जाने नहीं ली जैसे पहले हुआ करता था। तो जिसका क्रेडिट देना है हम तो देते हैं। देखिए डिली डेलिंग टैक्टिक्स तो 2018 से ही चल रहे हैं, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां लोगों में नहीं जाएंगी और लोगों के मसले मसाइल जहां तक हो सके उबारेंगी। और हमारी जमात का यही कॉल रहा है, हम तो लोगों के पास तब गए जब कोई नहीं जाता था, आज भी जाते रहे हैं और जिस वक्त इलेक्शन होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो जम्मू कश्मीर के 2018 से सभी डिस्क्वालीफाइड घर में बैठे हैं। मैं फिलहाल अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचूंगा, क्यों हमें तो वो डिस्क्वालीफाई किए बिना ही वोट का कोई हक नहीं दिया जा रहा है। बरखुरदार अफसर है जो हमारे जम्मू कश्मीर का अफसर है, नौजवान अफसर है, हम उनकी कदर करते हैं। हम ज़ाती तौर किसी के खिलाफ न बोलते हैं और न बोलने की कभी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन ये है कि वी हैव आवर ओन रिजर्वेशंस ऑन द एंटायर जो स्मार्ट सिटी जैसे की जा रही है, कैसे जैसे इसको इन्होंने प्लान किया है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहरहाल वक्त के ये इस वक्त बरसर इकतदार लोग हैं, तो इन्होंने जैसा भी किया आप क्या कर रहे हैं, खुदा करे जल्दी तैयार हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। जो चीज़ ठीक नहीं होगी वो ठीक की जाएगी, ऐसा भी कोई यहाँ नहीं है। हम देख रहे हैं इन्होंने करोड़ों ये अगर कह रहे हैं 1000 करोड़, इन्होंने 2000-3000 करोड़ का नुकसान हमारे शहर को किया। जो सड़कें बनी हुई थी, जो पेवमेंट्स बने हुए थे, मैं लाल चौक की बात करूं तो 8-10 करोड़ रुपया से एक मेरे प्रोड्यूसर MLA ने जब मैं मुझसे पहले जो थे उन्होंने बनाया था, तो इन्होंने सबको उजाड़ दिया। तो इन्होंने 1000 करोड़ कल को अगर इस पर भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी करेंगे, क्यों अब इनको इन्होंने कसम खा रखी है कि ये दे डोंट वॉन्ट टू हेयर सजेशंस।